रतनपुर गांव के जमींदार के पास 2 बीघा जमीन जंगल से भरा हुआ है। वो पूरे गांव में भूतिया जमीन के नाम से प्रसिद्ध है। एक रोज रात के समय तेज बारिश में गांव का एक साहसी लड़का प्रताप उस जमीन के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा था। ओह, बहुत रात हो गई है, इस बागीचे की तरफ आने के बजाय घर चला जाता तो अच्छा होता। लग रहा है कुछ आवाज आ रही है कहीं से। अरे रे, ये सब मेरे मन का भ्रम है। ओए मां, भागो 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 भागो। मां मां, दरवाजा खोलो। मां मां, जल्दी दरवाजा खोलो। क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या बताओ माँ, क्या बताओ आपको? पता है, आते वक्त उस जंगली जमीन वाले रास्ते से आ रहा था, ठीक ठीक उसी वक्त। प्रताप, मैंने तुझे कितनी बार समझाया बेटा कि उस जंगल के सामने मत खड़ा हो, सुनता क्यों नहीं? अरे अरे, मैं वहीं पर खड़ा था, मैं तो बस उस रास्ते से वापस आ रहा था। सुन बेटा, मैं इतनी बातें सुनाना नहीं चाहती हूँ। अब कभी भी रात होने पर तू उस रास्ते से मत आना, बस। अच्छा माँ, ठीक है ठीक है, लाइए लाइए, मुझे खीर दे दीजिए। खीर तो मैंने सुबह ही बनाया था, तुझे कैसे पता चला? माँ, आपको तो पता ही है मुझे खुशबू आ जाती है। वाह, लाइए। अरे दीजिए दीजिए, अब मुझसे इंतजार नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ऐसा क्या है उस जंगली बगीचे में कि सभी लोग डरते हैं? सबके सब डरते हैं इस युग में। भूत नहीं, मुझे इस रहस्य का पता लगाना पड़ेगा। डरने से काम नहीं चलेगा, जंगल को अच्छे से साफ करके भूत बाबा जी को पकड़ना पड़ेगा, और मैं पकड़ के ही रहूंगा। साहसी और जिद्दी प्रताप अगले दिन सुबह उस जमीन के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने कुछ सोचा, उसने कुछ अजीब सी खुशबू सूंघी, और उसके बाद इस जंगल में बहुत रहस्य है। कुछ औषधि के पौधों की खुशबू आ रही है, मुझे अब जमींदार साहब से मिलकर ही बात करनी पड़ेगी। अरे प्रताप, क्या बात है यहाँ इतनी सुबह सुबह? जमींदार साहब, मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी आज्ञा लेने के लिए। आज्ञा? किस बात की आज्ञा? जमींदार साहब, मुझे आपके उस जंगली जमीन पर बहुत सारे औषधि के पौधे मिले हैं। अच्छा, ये बात है? हाँ, वो जमीन जड़ी बूटियों की खेती के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं उस जमीन पर बहुत सारी जड़ी बूटियों के पौधे लगा सकता हूँ। लेकिन वो जमीन तो भूतिया है। लेकिन जड़ी बूटियों की खेती करने पर जमीन भी खाली नहीं रहेगी और भूत भी भाग जाएंगे। जैसे अंधे से काना भला, वैसे ही खाली जमीन रहने से अच्छा है जड़ी बूटी की खेती करना। ठीक है ठीक है, लेकिन तुम मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। तुम शाम को आओ, ठीक है? मैं जरा सोच लेता हूँ। अच्छा नायब, उस जमीन में गुप्त खजाना है, ये बात तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और नहीं जानता है, तो फिर ये प्रताप क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रहा है? हम लोगों ने कितनी कोशिश की है, लेकिन हमें गुप्त खजाना आज तक नहीं मिला है। हाँ, मिला नहीं है, ये बात तो है। इसीलिए प्रताप को वो जमीन साफ कर लेने दीजिए, उसे जड़ी बूटियाँ लगाने दीजिए। अगर उसे कुछ मिलता भी है तो भी सब कुछ तो आपका ही होगा ना। सही कहा नायब तुमने, जब जमीन मेरी है तो उससे जो कुछ भी मिलेगा वो मेरा ही तो होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर तुम प्रताप को बता दो कि मैं मान गया हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और सुनो, उस पर नजर रखना। जो आ गया जो आ गया। अगले दिन से प्रताप ने जमीन पर पड़े हुए सूखे पत्ते और लकड़ियां साफ की। अचानक से उसके सामने कहीं से पका हुआ ताल आकर गिर पड़ा। प्रताप ने चारों तरफ देखा, उसके बाद वो अपने काम में लग गया। वो मिट्टी खोदकर पौधे लगाना शुरू कर देता है, फिर से धम धम करके पके हुए ताल गिरना शुरू हो जाते हैं। एक उसके पैरों के पास गिरता है और दूसरा उसके हाथ पर लगता है। ओह, यहाँ पर तो आसपास में ताल के पेड़ तो नहीं, तो फिर ये ताल आ कहाँ से रहे हैं?
नहीं, अब तो सर बचाकर काम करना पड़ेगा, लापरवाही करने से काम नहीं चलेगा। क्यों रे, उसे कोई गुप्त खजाना मिला क्या? नहीं मालिक। तुम लोगों ने अपना काम अच्छे से किया है ना? हाँ मालिक, हमने ताल फेंका था मगर प्रताप डरने के बजाय और भी सतर्क हो गया। और भी सावधान होकर काम कर रहा है। ये प्रताप तो बहुत ही साहसी है। हाँ, सुनो, तुम लोग अपनी नजर इससे मत हटाना, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करना। अगले दिन आसमान में बादल छा गए, हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। प्रताप मिट्टी खोदकर पौधे लगा रहा था और पहले लगाए हुए पौधों में पानी दे रहा था। इन बादलों को देखकर लग रहा है आज बारिश जरूर होगी। थोड़ी देर के बाद हवा चलनी शुरू हो गई। प्रताप को कुछ महक आई। ये तो बहुत ही अजीब है, ये कहां से आ रही है ये खुशबू? लग रहा है यहीं से आ रही है खुशबू, इस तरफ से आ रही है खुशबू। यहाँ तो लाइन से पेड़ लगे हुए हैं, 5 पेड़ों का एक समूह बनाकर कितने सारे पेड़ लगे हैं। अरे अरे, ये क्या, 5 पेड़ों के बीच में? नहीं, अभी बिल्कुल भी नहीं, कोई देख लेगा। मैं रात में फिर से आऊंगा, अभी जाता हूँ, घर जाता हूँ। उसी रात प्रताप उन 5 पेड़ों के समूह के पास आकर खड़ा हो जाता है। ओह, कितना अंधेरा है, इस अंधेरे से ही सभी लोग डरते होंगे। सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, सावधानी से। वाह, इस सुगंध से मन तृप्त हो गया है मेरा। जो मैं सोच रहा हूं उसका पता लगाने के लिए अंदर जाना पड़ेगा। अब समझ गया मैं। ए, ए, चोर, क्या कर रहे थे तुम यहाँ? मैंने कोई चोरी नहीं की है। खेती करने आया था? मैंने चोरी नहीं की है। अरे, मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरा चुका विश्वास कीजिए। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मालिक, ये लड़का कल रात को उस जंगली बगीचे के अंदर गया था। हाँ, उस गहरे जंगल में। ये सब क्या है प्रताप? औषधि के नाम पर उस जंगली बगीचे के अंदर जाने का तुम्हारा मकसद क्या है? हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें सजा दूंगा प्रताप। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है मालिक, मैंने कोई भी चोरी नहीं की। आपको पता है, नायब साहब ने मेरे पीछे आदमियों को लगा रखा था, वो लोग हर वक्त मुझ पर नजर रखते थे। वो तो मैंने जमींदार साहब के कहने पर ही किया। तो फिर सुनिए जमींदार साहब, आपके जमीन पर गुप्त खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज है। ज्यादा कीमती चीज है? क्या चीज है वो? 5 पेड़ों के समूह लगाकर सैकड़ों पेड़ लगे हुए हैं और हर 5 पेड़ों के बीच में एक बहुत ही विशाल सफेद चंदन का पेड़ है। अच्छा, लेकिन मुझे तो इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। नायब, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और हाँ जमींदार साहब, एक एक पेड़ की लकड़ियों की कीमत बाजार में करोड़ों रुपए की है और सभी पेड़ तैयार है क्योंकि अब उस पर सांप आकर रहने लगे हैं। नायब साहब की नजर उस जमीन पर पहले से ही थी, इसलिए उन्होंने मेरे पीछे आदमियों को लगा रखा था। आप समझ रहे ना जमींदार साहब? तो तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ है ये। सबूत क्या है? क्या क्या सबूत है? सबूत मेरे हाथ में है, लेकिन हाथ खोले बगैर मैं कैसे दिखा पाऊंगा आपको? सुनो प्रताप, के हाथ खोल दो। ये देखिए, ये है उस चंदन की डाल का टुकड़ा। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है, पूजा के वक्त भी ऐसी खुशबू आती यही है। यही सबूत लेकर मैं आ रहा था, लेकिन मैं आपको ये सारी बातें बता ना दूं, इसलिए ये लोग मुझे चोर की तरह पकड़कर आपके पास ले आए हैं। नायब, तुम्हें तो मैंने नजर रखने के लिए बोला था ना? जमींदार साहब के गुप्त खजाने पर नायब साहब की नजर थी, उनके आदमी मुझे डराने के लिए और मुझे वहाँ से भगाने के लिए मेरे शरीर पर कुछ ना कुछ फेंकते थे। वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है, उस बगीचे में ताल का पेड़ भी नहीं है, तो फिर मुझ पर ताल कैसे गिरा करते थे? नायब, तुम छी 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 नायब, मैंने तो तुम्हें ये सब करने के लिए नहीं बोला था। हाँ, नायब साहब ने इन दो लठबाजों को पहले से ही वहाँ पर बैठा कर रखा था,
दरअसल इनका असली मकसद था उस जमीन के अंदर छुपे हुए गुप्त खजाने को हड़पने का। ये सब मैंने एक दिन पेड़ के पीछे छिपकर सुना था। नायब साहब और वो दोनों लटबाज यही बात कर रहे थे। नहीं नहीं, मतलब वो मैं, मतलब वो क्या है कि बिल्कुल चुप रहो प्रताप। अच्छा हुआ कि तुम थे, तभी मेरे पूर्वजों के गुप्त खजाना आज सुरक्षित है। आज से तुम ही उस बगीचे की देखरेख करोगे, और इस नायब को कैसे सजा देनी है ये मैं अभी बताता हूँ। अरे सुनो, मुझे जरा एक रस्सी और एक डंडा दो। इस नायब और इन लठबाजों को एक साथ बांधो। अरे बाप रे, मर गया। गलती हो गई जमींदार साहब, गलती होगी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे बाप रे, दर्द हो रहा है। नहीं नहीं, गलती हो गई मुझसे जमींदार साहब, गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती हो गई मुझसे। आओ 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 प्रताप, मैं इतने सालों तक जो गुप्त खजाना ढूंढ नहीं पाया, वो खजाना आज तुमने कितनी आसानी से खोज लिया प्रताप। लेकिन कैसे किया तुमने ये सब कुछ? मेरी नाक और चंदन की महक की वजह से हुआ है जमींदार साहब।